गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। और आज है 21st ऑफ अप्रैल। और कल मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया, यानी कि आज जो 21st, आज कोई भी व्लॉग आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला व्लॉग जाएगा 22nd को। और कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, परसों मेरा मूड ऑफ था, आप लोगों ने देखा होगा। बहुत ज़्यादा मैं अकेला महसूस कर रही थी। उसके अलावा मेरा टेस्ट और स्मेल बिल्कुल जा चुके हैं। मुझे किसी भी चीज़ में कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ भी स्मेल नहीं आ रही। मैंने इलायची सूंघ ली, लौंग सूंघ ली, अदरक सूंघ के देख ली, मैंने परफ्यूम सूंघने की कोशिश करी, मुझे किसी भी चीज़ में कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है। और टेस्ट मुझे हर चीज़ का ऐसे ही आ रहा है, पानी जैसा कड़वा टेस्ट और अजीब सा टेस्ट आ रहा है। मुझे नहीं पता ये सिम्टम्स इतना लेट मुझे क्यों आए हैं। यूजुअली ये सिम्टम्स जो है वो स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं। और फिलहाल जो है अभी ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा खाया था। पोहा भी ऐसा लग रहा था, अजीब सा बकबका सा कुछ टेस्ट उसमें मुझे आ नहीं रहा था। और साथ में पी थी चाय, चाय विक्की ने बनाई थी। चाय अच्छी लगी क्योंकि अपने हाथ से नहीं बनाई थी, तो थोड़ा मतलब टेस्ट तो क्या बताऊँ, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को क्या समझाऊँ कि टेस्ट कैसा आ रहा है। टेस्ट हर चीज़ में मुझे सिमिलर सा ही आ रहा है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ है ना तो पता चल रहा है कि हाँ कुछ मीठा मैं खा रही हूँ। उसके अलावा बाकी नमक वगैरह का मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। और ये था अपडेट कि क्या सिम्टम्स मेरे जो है वो आए हैं। उसके अलावा मेरी ये जो आँख है ना, लेफ्ट वाली जो आँख है, इसमें पेन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना स्टाई ना हो जाए, मुझे दर्द हो रहा है ब्लिंक करते हुए भी। क्यों हो रहा है ये नहीं पता, बस इसी आँख में हो रहा है। ये वाली तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें मुझे स्टाई का डर लग रहा है कि स्टाई ना हो जाए। और कल मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, मतलब पूरा दिन मैं ऐसे ही बिस्तर में पड़ी रही हूँ। और मतलब खाना भी नीचे दीदी हैं, उन्होंने बनाया था, उन्होंने दिया था। बाकी मैंने सारा दिन कुछ नहीं किया, ना अपना रूम क्लीन किया, कुछ भी नहीं। मैं सारा दिन इतना मूड ख़राब अजीब सा हो रहा था कल। आज आई एम फीलिंग मच बेटर, सुबह उठ गई थी मैं, जल्दी उठी आज इसी चक्कर में कि जल्दी उठ के अपना काम जो है वो ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी से, और थोड़ा सा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करेंगे। तो बस यही मैंने किया है। और अभी ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये मेरी अलमीरा है। कल परसों में कुछ कर रही थी तो मुझे ना एक चीज़ दिखाई दी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। विक्की दूसरे रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, और ये दिखाती हूँ आप लोगों को कि मुझे मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पे विक्की ने क्या दिया था। ठीक है, तो ये विक्की ने बनाया था कार्ड अपने हाथ से, और ये वाला कार्ड विक्की ने मुझे बना के दिया था फर्स्ट एनिवर्सरी पे। ये देखो, ये सारा विक्की ने लिखा था खुद से, पूरा कार्ड विक्की ने बनाया हुआ है। और इस कार्ड को मैं वापस संभाल के वहीं रख रही हूँ जहाँ इसकी जगह है। शादी के 25 साल बाद मैं विक्की को दिखाऊंगी कि देखो आपने मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी पे क्या दिया था, और मैंने आज तक उसे संभाल के रखा हुआ है। हाँ, तो रख लिया मैंने संभाल के। और उसके अलावा, और 30 अप्रैल को आने वाली है हमारी शादी, हमारी सगाई की सालगिरह। हमारी शादी को 4 साल हो जाएंगे जून में, और 30 अप्रैल को हमारी सगाई को हो जाएंगे 4 साल। और बस होप सो जल्दी से कोविड नेगेटिव में आ जाऊँ, लेकिन सिम्टम्स जो है अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। बीच में मैं बहुत अच्छे से थी, मतलब मुझे कोई इशू नहीं हो रहा था खाने में, टेस्ट में। अब मुझे जो है टेस्ट और स्मेल दोनों गए हुए हैं। अच्छा, मुझे पता कैसे लगा टेस्ट और स्मेल का बताती हूँ। मैं चाय बना रही थी, चाय बनाते हुए मैंने इलायची और अदरक कूटी। अदरक में से तो मुझे कुछ स्मेल नहीं आ रही थी, मुझे लगा शायद थोड़ा वो केमिकल वाली अदरक होती है ना वो है, इसलिए मुझे स्मेल नहीं आ रही है इसमें से कुछ खास। फिर मैंने इलायची का पैकेट खोला, अब वो जो इलायची है उसमें से काफ़ी तेज़ स्मेल आती है, छोटे वाला जो पैकेट आता है ना तो उसमें से काफ़ी तेज़ स्मेल आती है। अब सूंघने की कोशिश करूँ, मैंने कहा यार मुझे इलायची में से भी क्यों स्मेल नहीं आ रही। फिर मैंने ध्यान दिया, अरे यार मेरी तो स्मेल ही जा रखी है, वरना 2-3 दिन से मैं ऐसे ही काम चला रही थी। खैर हाँ, थोड़ा सा पता लग गया ना तो होता है ही कि हाँ यार टेस्ट और स्मेल कुछ नहीं आ रहा है। फिर मैंने उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी कि शायद हो सकता है क्या 2 चीज़ों में से नहीं आ रही हो, बट हाँ मुझे किसी भी चीज़ में से ना स्मेल आ रही है ना टेस्ट आ रहा है। अभी मैं बनाने जाऊंगी लंच। लंच में क्या बनाऊंगी पता नहीं,
और उसके अलावा इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट करूंगी। यही बचा हुआ है ज़िंदगी में, करना क्या है, व्लॉग करो इंस्टाग्राम की, वीडियो शूट करो। बाकी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ अपना दोबारा से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम है अभी, तो कुछ देखती हूँ अगर मन किया तो। आज बुक्स निकालती हूँ, बुक्स निकाल के कुछ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और कुछ ना सही शायद कोई नॉवेल ही पढ़ना शुरू कर दूंगी मैं। बाकी चलते हैं, लंच बनाएंगे। लंच से पहले विक्की को और खुद को दूंगी मैं बना के एक एक कप गाढ़ा। खुद को क्यों देना है, खुद के लिए बनाऊंगी, खुद पीऊंगी। मतलब मैं विक्की को गाढ़ा बना के दूंगी और खुद भी पीऊंगी गाढ़ा, ठीक है? तो गाढ़ा बनाऊंगी, गाढ़ा बनाने के बाद फिर करते हैं लंच की तैयारी। तो चलिए चलते हैं गाढ़ा बनाने। फाइनली टाइम फॉर सम जूस, तो अभी मैं पीने वाली हूँ जूस। और टेस्ट कुछ आ नहीं रहा, हल्का हल्का मीठा मीठा लग रहा है, बाकी सेम ऐसा लग रहा है पानी में किसी ने थोड़ी सी चीनी जो है वो घोल दी है, कुछ खास टेस्ट नहीं आ रहा। और अभी लंच में मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल, दाल चावल खाएंगे, सेम टेस्ट आएगा नहीं, पर जैसा भी है खाना तो है ही, ठीक है? हॉस्पिटल में जाके दवाई लेने से अच्छा है कि घर पे बैठ के अच्छी सी डाइट खाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बस फिर उसके बाद देखती हूँ, कुछ करती हूँ, कुछ क्रिएटिव करती हूँ। क्रिएटिव क्या करूँगी, पता तो है, दो चार चीज़ें हैं मेरे पास करने के लिए, वीडियो शूट करना, इंस्टा पे रील शूट करना, या फिर आज थर्ड चीज़ जो मैंने सोची है कि कोई नॉवल पढ़ूंगी, ठीक है? तो अभी ढूंढती हूँ क्या करना है काम, कुछ अलग हटके डेली रूटीन से। तो ये है लंच टाइम, और लंच में अभी मैं खाने वाली हूँ दाल चावल, और यहाँ पे है सैलड खूब सारे जिसमें मैंने खूब सारा नमक डाला हुआ है। तो ये है आज का लंच, तो लंच करते हैं ख़त्म पहले। अभी अभी ना मैं जस्ट सो के उठूँ, इतनी अच्छी नींद आई है, इतनी अच्छी नींद आई, मैं 2-2.5 घंटे से भी ज़्यादा सोई हूँ। अब बनाते हैं शाम की चाय, तो चलो भाई शाम की चाय बनाते हैं, चाय पियेंगे, चाय के साथ कुछ खाते हैं, फिर करेंगे शाम के खाने की तैयारी। और आज भी मैंने कुछ नहीं किया, सारे दिन ऐसे ही निकाल दिया, तो पहले चाय बनाते हैं, बाद में करेंगे बातें। और अभी बजे हैं रात के 9, और पता नहीं यार क्या हो रहा है, शाम होते होते ना 2 दिन से मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, और अभी मेरा पेट भी दर्द कर रहा है, ना मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है। खाना बनाया हुआ है बट ट्रस्ट में, मैं खाने की तरफ देख रही हूँ ना, जब भी मुझे ऐसा हो रहा है उल्टी पड़ जाएगी, और ऊपर से पेट दर्द इतना सीवियर हो रहा है ना, ऐसे नीचे पेट में ऐसे ही जैसे पकड़ के ना कोई हाथ यूँ रख के और यूँ घुमा रहा है मेरे पेट को, इतना सीवियर पेन हो रहा है। ऑल दो मैंने टैबलेट ले ली पेट दर्द की, बट स्टिल अभी तक कुछ आराम मिला नहीं, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और अभी मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा। ऐसे सिम्टम मुझे स्टार्टिंग में आए थे जब मुझे लगा था कि मैं किसी और वजह से बीमार हुई हूँ, शायद मैंने वो बताया था ना उस वाले ब्लॉग में कि मैं फेंट हो गई, तो सेम सिम्टम्स मुझे अब आ रहे हैं कि उस टाइम भी मुझे नौजिया हुआ था, मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता था, और सेम अब मेरे साथ वैसा ही हो रहा है कि मुझे नौजिया हो रहा है और मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता, शक्ल भी ऐसे हो रखी है। आज भी मैंने कुछ नहीं किया, मैं सो गई शाम को, फिर मुझे लगा शायद मैं एनर्जेटिक फील करूंगी, लेकिन 8 बजते बजते ना मेरे पेट में ऐसे दर्द और नौजिया अजीब सा शुरू हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये कोविड के सिम्टम्स हैं। बट दवाई तो मुझे लेनी है, खाना भी खाना है, पर खाना अब जो बनाया मेरा वो खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, तो शायद हो सकता है मैं कुछ और खाऊं, ब्रेड जैम या कुछ भी खा लूँगी यार, लेकिन मुझे रोटी सब्जी नहीं खाई जाएगी। और व्लॉग मैंने आज कुछ किया नहीं, ज़्यादा हिम्मत भी नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा, मन नहीं करता कुछ भी करने का, कुछ भी करने का। सारा दिन मैं काम कर रही हूँ, रेगुलरली काम भी कर रही हूँ, लेकिन वैसे कुछ ना एक्स्ट्रा करने का और कुछ वैसे मन नहीं होता। तो फिलहाल अभी मैं बस इतना ही करती हूँ, आज का व्लॉग ना मैं इतना ही रखने वाली हूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही व्लॉग करूँ, बस कुछ खाती हूँ और खा के मैं सीधा पढ़ने वाली हूँ, सोने वाली हूँ, अगर ये पेट दर्द ज़्यादा बढ़ गया ना तो और दिक्कत हो जाएगी। तो आज का व्लॉग इतना है, आई होप आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हो, एंड आई होप आप समझ सकते हो कि
पहले मेरे सिम्टम्स जो थे वो कम थे, और अब जो है वो सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, और तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ खास व्लॉग में लेकर नहीं आ पा रही हूँ। आई होप ये सब्साइड कर जाए और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, क्योंकि यार मेरे को ना बस अब ऐसे हो रहा है, मैं अपनी बेटी से मिलूँ, मैं जाके उसे हग करूँ, मैं उसे पुच्ची करूँ, मैं उसे खा जाऊँ, मेरे को बस अब वरिष्का से मिलना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ ही नहीं हो रहा। मुझे अपनी रिपोर्ट नेगेटिव आने का यही इंतज़ार हो रहा है, कि जैसी नेगेटिव आएगी ना मैं फटाफट अपनी बेटी से मिलने जाऊँगी, और उसके अलावा कुछ मेरा मन नहीं कर रहा। तो आई होप आप मेरी कंडीशन समझ सकते हैं, एंड इफ़ इन केस यू लाइक दिस व्लॉग देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई नो कि ज़्यादा कुछ मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बिकॉज ट्रस्ट मी 2 दिन मेरे सबसे गंदे गए हैं। कल मुझे बहुत बॉडी एक था, मेरा कुछ नहीं किया मैंने, आज दिन में मैं ठीक थी और शाम होते होते मेरे साथ वही चीज़ हो रही है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं किस चीज़ से जा रही हूँ, एंड इफ इन केस यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेहनत कर रही हूँ यार, सब्सक्राइब कर दिया करो ना प्लीज़। नहीं हिम्मत होती कोई कभी कभार ब्लॉग करने की, बट स्टिल आई ट्राइड कि मैं आप लोगों को अपडेट रख पाऊँ अपनी डेली लाइफ से, कि व्हाट्स गोइंग इन माई लाइफ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल 22nd of April को। बाय बाय।